जब पार्लियामेंट में स्पीकर साहब ने ओबेचुरी रेफरेंस जो सारा सदन में रखा, हमने उनको भी रिक्वेस्ट की थी कि जो किसान 500 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं उनका नाम भी इंक्लूड किया जाए। बड़ा बड़ा अफसोस है कि ये जो सेंटर की सरकार है, मोदी सरकार ने बिल्कुल बात नहीं मानी। मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को। आज इशू किसानों की है पर उनकी पार्टी पेट्रोल या दूसरे इश्यूज को लेकर आगे बढ़ी है। हम सब इकट्ठे हों, किसानों की बात करें। ये जो काले कानून है, पिछले एक साल से किसान संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम एकजुट होंगे, किसानों की आवाज़ बनेगी, तभी कोई सेंटर सरकार हिलेगी। आप अलग अलग इशू करके आएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा इशूज़ हैं, हमें प्रायोरिटी करनी पड़ेगी। और हमारी प्रायोरिटी, श्रोमणी अकाली पार्टी, किसानों की इशू है। और इसीलिए हम सारी पार्टी को रिक्वेस्ट करते हैं, मैंने एडजर्नमेंट मोशन भी दी है, हम उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। सर, लेकिन जिस तरह से हंगामा हुआ, तो ऐसे में कैसे डिस्कशन होगा? डिस्कशन अगर प्रधानमंत्री बोलें कि टाइम दें, वो टाइम तो देते नहीं है। अगर वो बोले हम डिस्कशन करेंगे, पर वो टाइम नहीं देना चाहते। हमने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था, अगर हमने बेचरी बारे, हमने जब बजरी रेफरेंस में हमने किसानों की बात की कि 500 के ज्यादा किसानों का नाम लिया जाए, आपने सब लोगों के पार्लियामेंट मेंबर्स के बगैर भी उन लोगों का नाम लिया है, किसानों का नाम क्यों नहीं लिया?